तो ये जो जगह है ये है वाटिका चौक, और इस जगह से लेफ्ट लेकर आज मैं SPR रोड होते हुए आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इस द्वारका एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है, और ये भी बताऊंगा कि क्या है ये द्वारका एक्सप्रेसवे। ये जो आपको मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया ये पूरा था SPR रोड। तो वाटिका चौक से अगर आप आते हो तो कुछ इस तरीके का रोड आपको मिलने वाला, और अच्छा रोड है, बहुत ही बेहतरीन है। कुछ साल पहले तक का अगर आपको याद होगा तो कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन आज फिलहाल जैसे ही इस जगह पे आते हो ना, जहाँ से इसका एंट्री पॉइंट होने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे पे SPR रोड से होते हुए, वो देखो कितना वाइड सा आपको दिखता है, कितने सारे लेन आपको देखने को मिलते हैं। अभी इस पॉइंट पे ना कंस्ट्रक्शन अभी तो क्योंकि आगे चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैक टॉप का काम अभी नहीं किया गया, क्योंकि अफकोर्स अभी एलिवेटेड रोड का जो काम है वो किया जा रहा है इस द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। 8 लेन का एक्सप्रेसवे होने वाला है और 6 लेन का सर्विस रोड। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होने वाला है न्यू इंडिया का, क्योंकि ये अब तक का सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है दिल्ली और उसके आसपास। ये जो पूरा 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है ना, इसके आसपास इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए मैंने बोला है कि अपने आप का सबसे एडवांस और सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे होने वाला है, क्योंकि एक तो सुनसान वीरान सा नहीं लगने वाला, आपको न्यू इंडिया की पूरी झलक दिखने वाली है। दोनों तरफ हाई राइज टावर्स, खूबसूरत से मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और बीच से निकलता हुआ ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का। आगे और भी दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत होने वाला है। सामने यहाँ पर पिलर्स बन चुके हैं बहुत पहले ही, और इस जॉइंट से क्रेन की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है, और वो आपको दिखेगा अभी। ये देखिए, तो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है इस जगह पर वो स्टार्ट कर दिया गया है। सामने जो आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं वो है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस पे, और उसको इस जगह पे ना क्रॉस कर रहा है। ये जगह है खिड़की दौला, और यहाँ से लेफ्ट जाओगे हमें मिलने वाला है जो इसका दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है। और जितनी भी गाड़ियाँ अभी दिख रही है आपको दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे ना, ये समझ लो जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा ना द्वारका एक्सप्रेसवे, तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे को। तो यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है उस तरफ से मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से फिर कनेक्ट भी किया जाना है, और हम चलने वाले हैं इस तरफ, और फिर आपको आगे की तरफ द्वारका एक्सप्रेस पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे कुछ इस पे काम किया जा रहा है। तो चलिए और भी आगे चलते हैं और देखते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि क्या कुछ हमारे आपके आसपास चल रहा है। और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ना, ये सेटअप किया गया है ताकि इसमें जो कंक्रीट का एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करना है, जिसकी मदद से ना ये पूरा एक पिलर पे 8 लेन का हो जाएगा ये एक्सप्रेस वे। और जी हाँ, ये पहला एक्सप्रेस वे भी होने वाला है जिस पे 8 लेन होने वाला है एक पिलर पे। सामने ये दिया गया है व्हीकल अंडर पास।
हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे, इंडिया के सबसे खूबसूरत एक पिलर पे 8 लेन का बनाया जाने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे। जी हाँ, 8,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ काम इस एक्सप्रेसवे के 29 किलोमीटर के इस पूरे एक्सप्रेसवे पे हुआ है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 19 किलोमीटर का पार्ट जो कि हरियाणा में आता है, 10 किलोमीटर दिल्ली में आता है, क्योंकि ये स्टार्ट होता है हरियाणा के खिड़की दौला टोल से जो कि गुड़गांव में पड़ता है और ये ख़त्म होता है दिल्ली महिपालपुर में शिव मूर्ति के पास। दो कंपनी इस पर काम कर रही है, जो हरियाणा का पार्ट है उस पर L&T काम कर रही है। जो सामने आप देख रहे हैं ये काम इस जगह पर कंपनी कर रही है वो है L&T। जो दिल्ली का पार्ट है उसमें जो कंपनी काम कर रही है वो आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। हम सभी का सबसे फेवरेट एक्सप्रेसवे में से एक है। एक पिलर पे 8 लेन का बनाया जा रहा है ये एक्सप्रेसवे। सामने यहाँ पर काम चल रहा है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम, माफ कीजिएगा, कई जगह पे यहाँ पे अभी भी रोड उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुए हैं। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और जब मैंने इसे कवर करना स्टार्ट किया था, तब ये 19 किलोमीटर ट्रेवल करने में ना, सच बता रहा हूँ, यकीन मानो, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता था। लेकिन अब तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि बहुत जगहों पर इसका जो सर्विस रोड है उसे बना दिया गया है और बहुत कम जगहों पर ऐसे आपको ख़राब रोड्स मिलेंगे। अभी ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ना आपको देखो फ्यूचर दिखता है कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। ये यहाँ पर जिस जगह पे फ्लाईओवर नहीं है, एलिवेटेड पार्ट नहीं है, वहाँ पर ये जो हाईवे बनाया गया है, यहाँ पर भी ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं से भी गाड़ियाँ आ सकती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा ये एक्सेस कंट्रोल होने वाला है, उसी की वजह से यहाँ पर डिवाइडर्स दिए गए हैं ताकि इसे एक्सेस कंट्रोल बनाया जा सके। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना खूबसूरत ना, मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि एक्चुअली ये बनाएंगे कैसे, क्या करने क्या वाले हैं। मतलब जो इसका 3D वीडियो अगर आप देखो तो बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन उसको हकीकत में करने का काम जो यहाँ पे टीम काम कर रही है ना वो है। तो अब इस ये फाइनली जो इसका जो रूप है ना वो निखर के आ रहा है, तो हर किसी को लग रहा है कि यार ये इस एक्सप्रेसवे पे कुछ ना कुछ तो अपना होना चाहिए, दुकान ही खरीद लो या घर खरीद लो। लेकिन हर किसी को अब लग रहा है कि अब द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लगे भी क्यों नहीं। बिल्डर्स ने तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक नई सिटी बनाई जा रही है, तो इतना सारा पैसा लगाया है बिल्डर्स ने, तो आपको नया तो इसे बनाया जा रहा है। और सच बताऊँ NCR में सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है वो खरीदी जा रही है गुड़गांव में ही, और गुड़गांव में भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है वो इस जगह पे है, द्वारका एक्सप्रेस पे और उसके आसपास। बहुत सालों से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये बनना तो बहुत साल पहले चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और अब माननीय नितिन गडकरी साहब बना रहे हैं। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि ये बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। इस पॉइंट पे ना जितने भी पिलर्स हैं वो तो बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है रोड को, क्योंकि अभी ट्रैफिक के मोमेंट को भी थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि इस जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते भी हैं। दोस्तों ये सामने जैसे टावर देख रहे हो ना, ये ऑलरेडी इसमें बहुत सारी फैमिली रहती है, हाँ जी, और ऐसे बहुत सारे बन भी रहे जिसमें फ्यूचर में
बहुत सारी फैमिली रहेंगी भी। ये जो जगह है ये है सेक्टर 102 और यहाँ पर भी काम चल रहा है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का। इस जगह पे वैसे लॉन्चर आपको नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ना, इस फ्रेम की मदद से ही एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा आगे पहुँचेंगे तो ये हमें दिखने वाला है जो इस पर लॉन्चर है सेक्टर 102 के पास, लेकिन इस जगह पर लॉन्चर नहीं है। फिर भी जो फ्रेम है उसकी मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी जगह है और उससे ये भी होगा कि टाइम भी सेव हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट को जो डेडलाइन दिया है उस पर कंप्लीट भी तो करना है। तो इसीलिए ये जो फ्रेम लगाकर एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत सही लगा है। लॉन्चर का वेट नहीं कर रहे हैं कि लॉन्चर आएगा उसके बाद कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कुछ जगहों पे अभी पिलर्स नहीं बने, जैसे कि एक पिलर्स ये अभी बन रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पिलर्स अभी बन रहा है, लेकिन फिर भी इसके आगे पिलर्स बन चुके हैं और इसीलिए वहाँ पर फ्रेम की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ये तो सर्विस रोड है और इसे भी हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। 3 लेन का है ये ईस्ट साइड सर्विस रोड, 4 लेन का ईस्ट साइड ये है एक्सप्रेस लेन। और ये देखो सामने नज़ारा, ये मैंने आपसे कहा कि जो फ्यूचर आपको दिखने वाला है एलिवेटेड पार्ट, यानी कि एक्सप्रेसवे के ऊपर आप रहोगे और दोनों तरफ ये हाई राइज टावर्स, और हाई राइज टावर्स भी अब इस पे दिखने लग गए हैं कि कैसा कुछ दिखने वाला है और कैसा कुछ ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे हमें और आपको फ्यूचर में लगने वाला है। सेक्टर 110 में यहाँ पे सबसे पहला लॉन्चर लगा था और उस वक्त पे पिलर्स जब बने थे और फिर मैंने जब आपको दिखाया था तो मैंने सोचा था कि यार पता नहीं क्या कुछ कैसे कुछ होगा, मुझे भी पता नहीं था लेकिन इतना पता था, भरोसा था कि हाँ कुछ अच्छा बनेगा और हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा ही हाल था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो देखो कितना खूबसूरत बन चुका है। ये है सेक्टर 104। आपको याद होगा दौलताबाद में कुछ दिन पहले एलिवेटेड जो पार्ट है वो गिर गया था और उसको डिसमेंटल करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है टीम के द्वारा, और उसके बाद फिर ये जो पार्ट है उसको ऐड किया जाएगा। यहाँ पर अभी डिसमेंटल का काम चल रहा है इस जगह पर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो ये डिसमेंटल का जो काम है वो किया जा रहा है। ये इसका लॉन्चर है जो गिरा था और अब हम पहुंचने वाले हैं सेक्टर 110। सेक्टर 110 ये वही जगह है सबसे पहला लॉन्चर द्वारका एक्सप्रेसवे पे यहीं पे लगा था, और वो लॉन्चर जो जा रहा है ना वो जा रहा है दिल्ली की तरफ। और यहाँ पर क्या है कि अच्छी खासी जगह है कंपनी के पास काम करने के लिए, तो ये क्या क्रेन की मदद से जो सेटअप है सर्विस रोड का जो एलिवेटेड पार्ट है वो कर रहे हैं और वो आपको अभी आगे दिखेगा। जो सामने ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे पिलर्स ये बन चुके हैं और ये पिलर्स एक्चुअली में ना बाद में बने थे, इसीलिए आपको लॉन्चर इस तरफ नहीं गुड़गांव की तरफ नहीं दिल्ली की तरफ दिखेगा क्योंकि उधर जो पिलर्स हैं वो बन चुके थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ये जो सर्विस रोड का एलिवेटेड पार्ट है ये वाला, इसको जो क्रेन आपको दिख रहा है उसकी मदद से सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पर क्रेन है और क्रेन की मदद से ही इसका सेटअप का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। वेदर भी बहुत ही खूबसूरत हो रहा है दिल्ली एनसीआर में ना, और हो भी क्यों ना क्योंकि कुछ दिन पहले ना बारिश भी हुई है। और अभी देखो ये सब जितनी भी बिल्डिंग्स आपको देख रही है ना नई तैयार हुई है, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये देखकर, कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। ये लेफ्ट हैंड साइड में सर्विस रोड, राइट हैंड साइड में आपके एक्सप्रेस लेन, वाह नज़ारा है न्यू इंडिया का, ये नज़ारा है हमारे आपके फ्यूचर का।
ये जो एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड लिमिट है ये कुछ उसी तरीके से है जो आजकल हमारे लाइफ में स्पीड है। बेशक स्पीड थोड़ी स्लो है हमारी आपकी लाइफ में इस वक्त पे, लेकिन याद रखिएगा आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो इसलिए अपना हौसला मत खोइएगा, क्योंकि जब मैं इस एक्सप्रेसवे को कवर करने आता हूँ ना, तो मैं बड़े आराम से पेशेंसली इस पर ड्राइव करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त पे इस पर मैं फास्ट ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कुछ वक्त बाद इस पर मैं बहुत आराम से और ड्राइव बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 111। यहाँ पर लॉन्चर दूसरा सेटअप किया जा रहा है, जो पहले लॉन्चर लगा हुआ था उसे हटा दिया गया है, और अब ये जो नया लॉन्चर आप देख रहे हैं इसे यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, और फिर इसकी मदद से आगे का जो काम है यानी कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का वो किया जाएगा। और ये लॉन्चर जा रहा है दिल्ली की तरफ, यानी कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की तरफ, और हम उधर ही जाने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैंने जो आपको दिखाया है वो दिखाया है पैकेज 4 और पैकेज 3 का काम, और यहाँ पर ये L&T का आखिरी स्टॉक यार्ड। टोटल इस पे 2 स्टॉक यार्ड है, एक वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दिखा होगा और दूसरा यहाँ पर है, और उसके बाद जो फेज़ 2 है और फेज़ 1 है जो कंपनी काम कर रही है वो है जय कुमार, उनके पास है दिल्ली का जो 10 किलोमीटर का पार्ट है। जय कुमार है वो कंपनी जो कि दिल्ली में काम कर रही है, और यहाँ पर ये पानी का जो छिड़काव है वो कर रहे हैं ताकि धूल मिट्टी ना उड़े और पॉल्यूशन को कम से कम किया जा सके, इसीलिए यहाँ पर ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और मेरे लिए तो अच्छी बात है, इससे ना गाड़ी थोड़ा कम गंदा होता है सच में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो सच बताऊँ तो गाड़ी में ही होता है। अब क्या होता है, कई बार ड्राइव करते रहो ना और गाड़ी को अचानक से रोको और गेट खोल दो, पूरी धूल मिट्टी अंदर घुस जाती है। जो मिट्टी होते हैं ना उसके जो कण होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि उसको तो सच में क्लीन करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर जाके ड्राई क्लीन कराओ गाड़ी को, उसके बाद फिर 2 दिन बाद वही हाल हो जाता है। थैंक यू फॉर योर विजिट इन गुड़गांव हरियाणा, और यहीं पे ख़त्म होता है आज का हमारा वीडियो भी, और इसके आगे स्टार्ट होता है काम पैकेज 2 और पैकेज 1 का, और कंपनी जो इसके ऊपर काम कर रही है जैसा कि मैंने आपसे कहा जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, और उनका यहाँ पे है सामने स्टॉक यार्ड, ये है इनका स्टॉक यार्ड। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि कौन सा नया वीडियो आने वाला है वो आपको पता चल जाएगा, और इंफ्रा के रिलेटेड न्यूज़ भी वहाँ पे शेयर कर देता हूँ मैं ट्विटर पे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो जिससे कि और भी जानकारी और भी नॉलेज आप इकट्ठा कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।